यूपी की योगी सरकार ने महिला अपराध रोकने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह की अगुवाई में प्रतापगढ़ के बागराय थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के बाद उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की सम्मानित छात्राओं के द्वारा फीता काट कर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि नारी सुरक्षा के सम्मान में किसी भी व्यक्ति को संलिप्त पाया गया तो उसकी तस्वीर चौराहे पर लगाई जाएगी और उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। थाना प्रभारी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि एक महिला कर्मचारी ही दूसरी महिला की समस्या शिकायत को सही तरीके से जानकर उसका समाधान कर सकती है, इसलिए पुलिस विभाग ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। मिशन शक्ति, या यूं कहें कि नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को कम करने के लिए, इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए ये पूरी व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का तुरंत निवारण करने के उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क ऑफिस की शुरुआत की गई है। इसमें दो महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी जो महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगी, जिससे महिलाओं की समस्याओं को जानकर उसका तत्काल प्रभाव से निवारण व निस्तारण किया जा सकेगा। इसलिए महिलाओं की सहूलियत के लिए स्पेशल महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि सूचना के लिए महिला हेल्प डेस्क का नंबर 1090-1070-181 ही रहेगा। इसमें अभी दो महिला पुलिस आरक्षियों की तैनाती की गई है जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शिकायतें सुनेंगी। उन्होंने बताया कि इस हेल्प डेस्क पर महिला संबंधी शिकायतें भी सुनी जाएंगी। इस मौके पर बाबा ब्रिजेश सिंह मेमोरियल कॉलेज की छात्राएं, रमापति इंटर कॉलेज की छात्राएं, ब्लॉक प्रमुख बिहार अनुभव यादव, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजन मिश्रा, पवन गौतम, क्षीर सागर तिवारी व उप निरीक्षक अखिलेश प्रसाद, सुशीला मिश्रा ने नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन पर अपना संबोधन किया। इस मौके पर प्रधान बूढ़ेपुर ओम प्रकाश मिश्र, प्रधान प्रतिनिधि अवतारपुर गबलू सिंह, प्रधान रोर राम कैलाश, भाजपा मंडल अध्यक्ष बिहार राजेश साहू, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप शुक्ल सहित आदि लोग मौजूद रहे। पीएलए न्यूज कल प्रतापगढ़ से रत्नेश शुक्ला की रिपोर्ट। रमापति पालिका इंटर कॉलेज में जिसे आज हम लोग पढ़ रहे और आगे बढ़ रहे, आप लोग भी अपनी बहन बेटियों को निसंकोच पढ़ाइए और आगे बढ़िए, आगे बढ़ने दीजिए। जैसे आप अपने बालक को छूट देते हैं कि जाए और आगे बढ़े, वैसे आप अपनी बालिका को भी ये निसंकोच जागरूक कीजिए कि आगे बढ़े और आगे बढ़े और किसी भी क्षेत्र में उन्हें पीछे मत हटने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब को, मैं एसएचओ साहब को निवेदन करूंगा, मैं समस्त इन सब जैसे आप हेल्पलाइन है उस पे गंभीरता से कहीं किसी प्रकार की शिथिलता को ऐसे भी नहीं है। मैं ये पवासी की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन ये भी आप जानिए कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे सूचना देते तो तुरंत कार्रवाई होती, तो शायद ये विडम्बना टल जाती, शायद ये विडम्बना टल जाती। मैं सेठ जी के घर गया, मैं माननीय विधायक जी, हमने कहा आपने कभी पुलिस को सूचना दिया? कहा नहीं मैंने, तो भैया नहीं दिया। तो हमने कहा अंदर अंदर तुम पिस रहे हो, अंदर अंदर कुंठित हो, ऐसा सम्मान लड़की को गंवा दिए, और अगर शायद वो सजा खा जाता, अगर आप अपनी समस्या माननीय जी से नहीं बताएंगे, थाना अध्यक्ष महोदय से नहीं बताएंगे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से नहीं बताएंगे, तो कैसे जान पाएंगे कि आपकी पीड़ा क्या? आप अपनी पीड़ा चुप्पे बताते, सर मैं नाम डालने में असमर्थ हूं और मेरे